हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। आज बाल दिवस है, यानी 14 नवंबर चाचा नेहरू का जन्मदिन। तो आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ ब्लॉक के अधिकारी आए हुए हैं और कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं, सरपंच, उप सरपंच हैं और भी अधिकारी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर आज बाल दिवस के दिन बाल सभा का आयोजन किया गया है। इस बाल सभा में यहाँ पर लोग क्यों जुटे हुए हैं, क्या औचित्य है यहाँ पर यह सभा रखने का और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, आज हमें जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे जी। मैं अजीमुल्ला अंसारी, उर्दू प्राथमिक विद्यालय गवनिया का प्रधानाध्यापक हूँ जी। और आज मुखिया जी के द्वारा सूचित किया गया कि आज प्राथमिक विद्यालय करकटपुर में एक बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता हुआ, मैं प्राथमिक विद्यालय करकटपुर का HM हूँ। मैं शालिग्राम राम, प्राथमिक विद्यालय कुल्हाई बरुना का प्रधान शिक्षक हूँ। मैं रवि भूषण, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय चंदा। तो प्रधानाध्यापक होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का शिकायत हमेशा होता रहता है कि विद्यालय में कभी भी खेल कूद का आयोजन नहीं कराया जाता है। अगर कराया भी जाता है तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है तो उसको प्राइज़ भी नहीं दिया जाता, या पढ़ाई लिखाई में भी कोई टॉप आता है तो उसको भी प्राइज़ नहीं मिलते। ये सब क्यों, ये कमियाँ क्यों हैं? जरूरी सबसे मेन दिक्कत यहाँ पे है ना कि सरकार जो है प्रधानाध्यापक केवल बांध दे रही है, हर एक कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक ही माने दोषी हैं। दोषी न बना करके, जिम्मेवार बना करके, सभी शिक्षकों को अगर जिम्मेवार बना दिया जाए तो कार्यक्रम में चार चांद लग जाएगा। नाम शाकिर हुसैन पड़ा, मैं प्रखंड अकोड़ी गोला के आवास सहायक हूँ। आवास सहायक वरुणा पंचायत में जी। तो आवास संबंधी आपने अभी तक कितनों की मदद की है? आवास संबंधित इससे पहले दूसरे आवास सहायक थे वरुणा पंचायत में, वो चयन किए थे, तो लगभग 170 के आसपास में। आपके हाथों द्वारा कितना हुआ? मेरे हाथों द्वारा एक चयन किया गया। मेरा नाम सतेंद्र प्रसाद सिंह यादव हुआ, मैं ग्राम पंचायत बरुना का उप मुखिया पद पर अभी हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, पंचायत सचिव बरुना के। बरुना पंचायत के सचिव राजीव कुमार ने बच्चों के लिए तैयार एजेंडा के बारे में बताते हुए कहा, सबसे पहला एजेंडा बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण, बच्चों के लिए सुरक्षित, सकुशल और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना, ICDS के अंतर्गत गतिविधियों का बेहतर क्रियान्वयन, 5 साल से कम बच्चों को पोषाहार, महिलाओं और बच्चों का पोषण, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। दूसरा एजेंडा बच्चों के लिए शिक्षा, जिसमें निम्नलिखित है, बच्चों का स्कूल में 100% नामांकन, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, अभिभावक शिक्षक संघ SMC स्कूल प्रबंधन समिति PTA के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्कूल में पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, छात्रवृत्ति अनुदान आदि जैसे संस्थाओं का संसाधनों का बच्चों तक समय पर पहुंचना, प्रारंभिक बचपन का विकास एवं देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक से उच्च शिक्षा। तीसरा एजेंडा है बच्चों के विरुद्ध हिंसा, 100% बाल श्रम मुक्त पंचायत, शराब और ड्रग्स के हानिकारक उपयोग को समाप्त करने की प्रति जागरूकता, बाल विवाह संबंधित मामलों में कमी, अवैध व्यापार का कोई मामला नहीं, बच्चों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना इत्यादि, सुरक्षा संबंधी मुद्दे और यौन शोषण। इसके अलावा जो एजेंडा है लैंगिक भेदभाव, जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है लड़का लड़की में, स्थानीय शासन में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना और बच्चों के कानूनी प्रावधान के बारे में जागरूकता। और इसी वाणी के साथ हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आइए अब हम मुखिया जी से कुछ बात करते हैं और जानते हैं बाल सभा के आयोजन का उद्देश्य। तो मुखिया जी, ये बाल सभा कराने का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं दुनियादारी एक चैनल को दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ कि बाल दिवस जो बच्चों को उत्साह बढ़ाना, बच्चों को प्रेरणा डालना, बच्चों को शिक्षा पर जोर डालना, क्योंकि बच्चा जो है एक कांच मिट्टी है,
जिससे कुम्हार लोग कांच मिट्टी को गढ़ करके सुंदरता घड़ा के रूप में उतारते हैं, उसी तरह हमारे बच्चे भी हैं। अब बच्चा जो है अभी बटा छोटा सा बच्चा है जो 6 क्लास ले लेकर के 18 साल की उम्र में, वो भी सब बाल दिवस में आते हैं। जब 18 साल पार करते हैं तो उन लोग अपना उम्र पर आधारित हो जाता है। तो इसलिए बच्चों पर जो हमारे शिक्षक लोग ने ध्यान दिए, जिससे शिक्षा में आया कि पोषक आहार देना, सफाई सुथरा पर ध्यान देना, और बाकी सर तो हमारे बतेबे की हैं। और एक बात आया सर कि आप बोल रहे हैं कि हमारे चंदा बिघा प्रिंसिपल साहब से कि मैंने बच्चों को खेल के रूप में आखिर मैंने काहे मैंने बंद कर दिया गया, लेकिन हमको हमारे ख्याल से जब से हम पंचायती राज में उतरे हैं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हम तो पूरे पंचायत में एक ही जगह देखते हैं जो चंदा वन है, कि जो बच्चों को उत्साह बढ़ाने में ये नंबर वन पर है तो चंदा बिघा है। जो शिक्षा का जो वहाँ लगता है कि नहीं हम स्कूल में प्रवेश किए हैं, सोसाइटी भी वहाँ अच्छा अच्छा लगता है, बच्चों का जो शिष्टाचार है बात करने का, जो संस्कार उस स्कूल से दिया गया है, ये सबसे बहुत हमको अच्छा लगता है और अच्छा भी है। और मैं सभी स्कूलों में चाहूँगा कि उसी तरह चंदा बिघा जैसे स्कूल में होता है तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना आवश्यक है, क्योंकि एक ही चीज़ बच्चे को केवल पढ़ाई ही दिया जाए तो बच्चा अनकसा जाएगा, इसलिए खेल का मनोरंजन थोड़ा सा देना ज़रूरी है। जैसे उर्दू विद्यालय हो गया गम्हरिया में हमारे, जो हमारे अजमुल्ला सर हैं, अजमुल्ला सर के स्कूल में हम प्रथम बार जीतने के बाद गए थे, तो सुबह में हम देखें जो वहाँ का प्रार्थना करने का जो टैली है वो थोड़ा हटके है। प्रार्थना के समय में जो प्रार्थना होता है तो माइक द्वारा लाउड स्पीकर द्वारा होता है, वहाँ पर उसी समय बच्चों को जो प्रार्थना खत्म होता है तो क्यूज की व्यवस्था है, जो कि वहाँ सर लोग क्यूज करते हैं और बच्चों लोग बताते हैं। मैंने इतना मैंने सोचिए कि उसमें हम क्या उस स्कूल को विवरण करें कि अपने शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ जो उर्दू विद्यालय गम्हरिया में है। तो मैं भी यही चाहूँगा सब सर लोग से कि जो अभी मैंने आप लोग के बीच 2 स्कूलों का नाम रखा, तो उसी तरह हमारे पंचायत में हर स्कूल में वो व्यवस्था हो जाए बच्चों के लिए, तो बच्चों प्राइवेट स्कूल में नहीं जाएगा। तो ज्ञान को संबोधित करते हैं कौन, हमारे गुरु। जो गुरु हैं वो सोचिए कि उस सूरज के प्रकाश हैं, जो बच्चों पर प्रकाश गुरु ही डालते हैं। आज हम आप लोग के बीच उपस्थित जो हैं तो एक गुरु से ही सीख करके, गुरु छोटा हो या बड़ा गुरु गुरु होता है। जैसे में कि आज हम बरना पंचायत के मुखिया मुन्ना पासवान आप सबों के बीच उपस्थित आज बाल सभा में, मैं बाल सभा से यही सभी बच्चों के गार्जियन से और सभी बच्चों से बच्चों के शिक्षक से यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा समय बच्चों पर निकालने के लिए प्रयास करें, क्योंकि जब बच्चा स्कूल में आता है और स्कूल से घर जाता है तो गार्जियन लोग ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में 8 घंटे में कौन सा विषय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आज तो कॉपी भी लोग चेक नहीं करते हैं, बच्चा नहीं पढ़ता है तो गांव घर में सुनने के लिए मिलता है कि मुखिया जी मास्टरे लोग के पढ़ावे नहीं खेजावत। तो मास्टर जो होते हैं, मास्टर के अगर गाइडलाइन देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं सर लोग कि तुम लोग को इस रास्ता पर चलना है, पता ये 8 घंटे है या 45 मिनट का, 45 मिनट में एक एक सर कितना बताएंगे। बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। हाँ, परिवार होता है, परिवार में ही शिक्षा देखिए पहले कैसे जाता है कि बोली से मिलता है संस्कार, अभाव से मिलता है भ्रमण, यानी कि जो भाव रहेगा आपके अंदर तो भ्रमण कर ही लेंगे हम। अब बोली जब अच्छा रहेगा तो कहीं भी आपको 2 सामान मिलेगा, हर जगह आपको परिचय बढ़ेगा। लेकिन ये आप दुनियादारी एक्स से जो हमारे रिपोर्टर साहब हैं, हम ये बात थोड़ा सा एक बात बोलेंगे कि एक दिन आए आप टाइम निकाल करके आप बरना पंचायत के लिए थोड़ा सा विकास को उज्ज्वल बनाने के लिए, भविष्य बरना पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बरना पंचायत में कुछ काम रुक गया है, किस कारण से काम रुका है इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करें और हमारे हर जनता के पास पहुँचे। जनता जो हमको मुखिया बना दिया,
जनता तो अपना जो काम था वो तो जनता काम कर दिए, जनता क्या जान रही है कि मुखिया काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो जनता को जब बताना जरूरी है। जनता देखिए, जनता जो है अभी हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उसी तरह अनबुद्धि हैं, उनको जानकारी नहीं है, बस उनको जानना है जनता को काम चाहिए केवल विकास के लिए। तो विकास कब होगा, जब मनी रहेगा तब होगा। मनी हमारा कहाँ से बंद है, कैसे योजना बंद है, जो 23-24 का योजना आया था हमारे सरकार ने बंद कर दिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमको देना है, पंचायत आपके माध्यम से हो जाएगा तो अति सुंदर रहेगा। और इतना ही हम बाल बच्चों के लिए कुछ पुरस्कार बांटेंगे और बच्चों से यही रिक्वेस्ट है और गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, खेलने के लिए तो समय हैवे किया है। और मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सरदार जी। तब आपको समझ में आ गया होगा सारे एजेंडे के बारे में बताया इन्होंने कि किस लिए यहाँ पर बाल सभा का आयोजन किया गया है और क्या क्या एजेंडा है हमारी सरकार की जो पंचायत ग्राम पंचायत की तरफ से कराई जा रही है। और बहुत ही अच्छी बात है जिन्होंने, मतलब मुखिया जी ने जो हमारी बच्चों के लिए बात कहा और गार्जियन के लिए भी, वो बहुत ही सही कहा है, सटीक कहा है। मैं भी यही मानता रहा हूँ कि कमी कहीं ना कहीं गार्जियन में है, सबके परिवार में है। मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी एक शिक्षक को पढ़ाता हूँ, तो मैं भी काफ़ी सारे बच्चों के गार्जियन को भी देखा हूँ कि किस तरह से व्यवहार करते हैं और इनकी सोच कैसी है। तो बहुत सही कहा मुखिया जी ने। तो अभी आपको हम ये दिखाएंगे, पुरस्कार करेंगे ना वितरित, तो पुरस्कार वितरित करेंगे बच्चों को। मुखिया जी, मुन्ना पासवान और पंचायत के सभी सदस्यों ने मिलकर बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और अपने आसपास की खबरों से हमेशा अवगत रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।